नमस्कार, मैं पुष्पा भोसले मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे सांभर रेसिपी। तो देखते हैं सांभर बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी। ये अरहर दाल है, तूर दाल। मैंने इसको 4-5 सीटी करके पका लिया, अच्छे से कुकर में बॉईल कर लिया है। 4-5 सीटी होने दिए, ये देखो अच्छे से पके तैयार हो गया है। और उसके लिए हमें लगेगा सांभर के लिए ये है सब्जियाँ, ये ड्रम स्टिक। ये देखिए मैंने ऐसे काट लिया है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर ये बीज रहता है ना, इसमें कीड़ा निकलता है। इसके लिए मैं कभी भी ड्रम स्टिक को ऐसे 2 टुकड़े में काट लेती हूँ, बीच में से काट लेती हूँ। और ये है 1 टमाटर, और ये 200 ग्राम कद्दू है लाल भोपरा, ये एक मीडियम साइज का बैंगन है, ये सूरन है थोड़ा सा टुकड़ा, और ये प्याज है एक मीडियम साइज का प्याज। देखो मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में इसको ऐसे टुकड़े में काट लिया। और ये 4-5 करी पत्ता, करी लीव्स, और ये हरा धनिया, इसको बाद में काट लेंगे। और हमें सांभर के लिए लगेगा ये इमली का जूस है। मैंने इमली भिगो के रखी थी, 1-2 घंटा भिगो के रख के उसका जूस निकाल सकते हैं, नहीं तो ये जूस मार्केट में भी मिल जाता है। ये गुड़ है, आपके पसंद के अनुसार ले सकते हैं, स्वादानुसार आपको जितना डालना है डाल सकते हैं, कम ज़्यादा, लेकिन सांभर थोड़ा मीठा ही रहेगा तो अच्छा लगेगा। और ये मिर्च पाउडर है, ये सांभर मसाला है, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, और ये नमक है। तो चलिए शुरू करते हैं सांभर बनाना। मैं अब तेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा तेल डालते तड़के में मैं 5-6 मतलब थोड़ा सा मेथी दाना डाल रही हूँ तड़के के लिए। आप डालती हूँ मैं करी पत्ता, करी लीव्स, प्याज, मैं प्याज डालती हूँ, प्याज को पकने देते हैं थोड़ा थोड़ा सा पक जाएगा तब दूसरी सब्जियां डालेंगे। देखिए ये प्याज थोड़ा सा पक गया है, इसमें मैं डाल रही हूँ ये ड्रम स्टिक, खाते तो मजे। और ये सूरन, बैंगन, ये कद्दू, मैंने कद्दू ज्यादा लिया है, टमाटर, अच्छा मिक्स करते हैं इसको। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर आप स्वादानुसार, आपको जितना तीखा खाते हैं और तीखा आपको डाल सकती है। और नमक, नमक भी स्वादानुसार आप जितने खाते हैं कम ज़्यादा। और हल्दी नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने दाल में हल्दी डाल के पकाया है। आपने अगर दाल में नहीं हल्दी डाला है तो आप इसमें हल्दी डालिएगा। इसको अच्छा मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें मिर्च पाउडर और नमक पहले डालने से क्या होता है, ये सब्जियाँ पकती है ना, तो ये बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब मैं इसको ढक के रखती हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, जब दाल पकाने रखते हैं दाल के साथ भी सब्जियाँ पका लेते हैं, लेकिन कभी भी सब्जियाँ कुकर में पकाना अच्छा नहीं होता है, आपको तो पता ही है, क्योंकि उसमें से पौष्टिक घटक जो है वो निकल जाते हैं। तो इसके लिए ऐसे करिए, आप दाल अलग से पकाइए
और ऐसे सब्जियां पका ले और ऐसा सांभर बनाए, बहुत अच्छा भी लगता है और वो हेल्दी भी रहेगा। दो मिनट हो गए, देखते हैं अभी ये सब्जियां पकी है। नहीं पकाया ये और इसको इसको और दो मिनट पकने देते हैं। अब देखती हूँ मैं ये सब्जियां पकती है क्या। हाँ ये देखिए ये पक गई है। अब मैं इसमें ये दाल डाल दी हूँ, अरहर का दाल जो मैंने पहले पका लिया। इसमें हल्दी डाल के पकाया, इसके लिए इसमें हल्दी नहीं डाला मसाले में। ये देखिए आपको जैसा चाहिए गाढ़ा पतला सांभर आप बना सकते हैं। ये देखिए ये सब्जी अच्छे से पक गई है। तो अब मैं इसमें ये इमली का जूस डाल रही हूँ, मतलब आधी कटोरी डाला है मैंने, जैसे आपके पसंद के अनुसार आप डाल सकते हैं। ये सांभर मसाला 2 चम्मच और ये गुड़ है, ये भी आप आपके पसंद के अनुसार डालिए। और सांभर के लिए आप और दूसरी भी सब्जियां ले सकते हैं, जैसे कि दूधी, आलू, फ्रेंच बीन्स, आपको जो पसंद है वो सब्जियां ले सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए इसको ढक देती हूँ, तो ये सब्जी और दाल अच्छे से पक जाएगा। बॉईल हो गया ये और 2 मिनट बॉईल होने देते हैं। मैं अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया। ये देखिए बहुत बढ़िया सांभर तैयार हो गया है। तो अब इसको एक भगोने में निकाल लेते हैं। ये देखिए सांभर बनके तैयार है। आप भी ऐसा बनाइएगा और आपको अच्छा लगा, आपको पसंद आया तो मुझे फीडबैक देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।